हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160 की। अभी मैं हूँ आरएन हीरो रामपुर में और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं 160 को चलाऊंगा। इससे पहले मैंने ये बाइक कभी नहीं चलाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाइक दिखने में तो बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि चलाने में भी बहुत खूबसूरत होगी। किक स्टार्टर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जैसे पर्सन के लिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी भी बैटरी वगैरह अगर डेड हो गई तो उस केस में आपका किक स्टार्टर ही काम आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये है कि इसके बाद में अभी हीरो ने एक नया मॉडल भी लॉन्च किया है एसी में, जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें कुछ रेड मिलेगा। उसके अलावा एक हीरो कनेक्ट ऐप जो है वो भी आपको मिलेगी, जिसे आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ में। उसके अलावा आपकी जीपीएस लोकेशन वगैरह जो है वो भी, आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो हैं वो भी आपको मिलते हैं, जो आपको नेक्स्ट मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। अभी वो अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी जैसी भी ये मोटरसाइकिल है अभी हम इसको चला के देखेंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या खास बात है। इससे पहले हम टेस्ट राइड पे जाएं, लेट मी शो यू कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो दिस हैज़ अ सिंगल चैनल एबीएस, फ्रंट में जो है वो डबल पिस्टन कैलिपर है, साथ में रोटो पेडल डिस्क प्लेट है, स्टॉपिंग पावर अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा 163 cc का इंजन है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये सिंगल ओवरहेड कैम है। फ्यूल इंजेक्टेड मोटर 167 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा मिलता है। पीछे मोनोशॉक दिया हुआ है एंड स्पोर्टी एग्जॉस्ट है, काफ़ी छोटा चंकी सा एग्जॉस्ट है। पीछे जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें निसिन का ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है, तो ब्रेकिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पीछे का जो साइज़ है टायर का, दैट इज़ 130/70/17, और फ्रंट वाला जो है वो है 110/80/17। सो बेसिकली टायर का साइज़ जो है दैट इज़ गुड इनफ। आगे जो है वो आपको LED लैंप्स मिलते हैं, ऑन करके दिखाता हूँ। नए मॉडल में आपको नकल गार्ड भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी इस मॉडल के अंदर वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आउटगोइंग मॉडल है और इसका जो नया मॉडल है वो जल्दी ही शोरूम में आएगा। आते ही अगर टेस्ट राइड करने का मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। हालांकि इंजन में कुछ चेंजेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये स्टेल्थ मॉडल है, सो बेसिकली स्टेल्थ मॉडल के अंदर आपका जो कलर है वो स्पेसिफिक कलर ही आता है। तो जल्दी से इसको हवा में टेस्ट राइड करने के लिए निकलते हैं और देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करती है। सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, 793 mm की सीट हाइट है, जो कि मेरी हाइट 5'10" है, उसके हिसाब से सही होनी चाहिए। टू बी फ्रैंक, मैंने इसको सड़क पर चलते हुए देखा है और पीछे से बहुत खूबसूरत लगती है चलते हुए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जस्ट गो फॉर अ टेस्ट राइड। सो गाइज, हियर वी गो। इस बाइक की हम अब जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने के लिए, देखते हैं किस तरह से सड़क पे परफॉर्म करती है। ऑल्दो इसके कंपटीशन में जो है वो अपाचे RTR 160 और पल्सर N 160 और NS 160 हैं, लेकिन कुछ बात है हीरो में, क्योंकि ऐसे ही नहीं हीरो जो है वो बिकता है, क्योंकि इनके पास में सबसे ज़्यादा शोरूम और वर्कशॉप्स हैं। स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है कि इनके पास में अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजी होती है। सो बैठने के बाद में सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, हल्का सा फ्रंट की ओर एग्रेसिव है। सीधा अब हम चलते हैं टेस्ट राइड लेने के लिए, बाइक ऑन करेंगे। ये आपके सामने आपका मीटर आ गया है, मीटर के अंदर जो है वो गियर पोजीशन इंडिकेटर है, उसके अलावा आपका ऑडोमीटर है, फिर आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी और टाइमिंग टाइम जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर जो है वो RPM की बार है और ये यहाँ पे आपका स्पीड इंडिकेटर है, नीचे जो है वो फ्यूल का गेज है। अब हम स्टार्ट करेंगे मोटरसाइकिल को। स्विच गियर जो है वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसके अंदर आपको ये हाई बीम, लो बीम, उसके अलावा इंडिकेटर और इंडिकेटर कैंसिल करने के लिए आपको सेंटर में भी बटन दिया हुआ है। ये आपका हॉर्न हो गया, ये आपके हज़ार इंडिकेटर हो गए। और अब हम स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को और सीधा चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट राइड करने के लिए। बहुत टाइम बाद में जो है वो एक 160 cc इंजन को मैंने चलाया है। बाइक काफ़ी निम्बल है, निम्बल बहुत ज़्यादा है। सस्पेंशन जो है वो हल्का सा सॉफ्ट है पीछे वाला, इंजन इज सुपर स्मूथ,
इंजन बहुत स्मूथ है, आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होती हैं अंटे अनलेस आप उसको बहुत हाई आरपीएम पे लेके जाते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 60 जो है वो आपका 4.67 सेकंड्स में क्लियर होता है। मैं उसको इतना ज़्यादा अभी नहीं भगाऊंगा बिकॉज इट्स अ न्यू मोटरसाइकिल। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी लगभग आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे जैसे आप राइड करते हैं तो हार्डली आपको कोई फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। 5 गियर हैं इसके अंदर, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको साफ साफ बता रहा है अभी 5th गियर के ऊपर है। आरपीएम जो है वो भी धूप के अंदर, काफ़ी कड़क धूप है अभी और धूप के अंदर मुझे काफ़ी हद तक विजिबल भी है। गियर शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है इसके हाई आरपीएम पे जाने के बाद में भी। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इसका की पॉइंट है, एबीएस है इसके अंदर लगा हुआ। तो ओ ब्रेक बहुत ही सॉलिड है ब्रो। इंजन इस तरह का स्मूथ है कि आपको हायर स्पीड्स में जाते वक्त इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, लेकिन अगर आप हायर आरपीएम पे जाते हैं देयर इज अ डिफरेंस। एक डिफरेंस है हाई आरपीएम और हाई स्पीड में जाने का, और वो सिंपल है कि आप हाई आरपीएम जो है वो किसी भी गियर में जा सकते हैं, हाई स्पीड जो है वो आप नहीं जा सकते हर एक गियर में। लेकिन हाई आरपीएम पे जाने के बाद में आपको हल्का सा फुटपैक में वाइब्रेशंस मिलते हैं, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है क्योंकि मैंने हमेशा से वाइब्रेशंस के लिए यही चीज़ बोली। सिंगल सिलेंडर इंजन्स में आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे, लेकिन वो वाइब्रेशन इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे कि आपको परेशान करें, क्योंकि आपने क्रूजिंग अगर करनी है, देखिए इससे आपने रेसिंग तो करनी नहीं है, आपने बेसिकली क्या है कि ये इंजन लेके आप क्रूजिंग कर सकते हैं। तो जब आप क्रूजिंग करते हैं तो उस टाइम में आपकी हायर गियर के अंदर जो है वो आरपीएम कम रहता है और उस वजह से आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस जो है वो फील नहीं होते। अभी मैं लगभग 90 के आसपास हूँ 5वें गियर में और मुझे इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। और सस्पेंशन भी जो है वो हाई स्पीड के ऊपर जाने के बाद में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। लो स्पीड्स पे सस्पेंशन जो है वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि जर्की फील होगा, लेकिन हाई स्पीड्स में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट। एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको इंजन का ग्रंट जो है वो बहुत पसंद आने वाला है इसका। इन स्पीड बम्प्स को नहीं है, नहीं पता लगा इन स्पीड बम्प्स का। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप दिया है कंपनी ने, आई एम रियली लविंग इट। हाँ, ओवरटेक करने में आपको हो सकता है कि एक गियर डाउन करना पड़े, मुझे लगा नहीं था कि 160 जो है वो इतना पेपी हो सकता है। ओवरऑल स्टाइलिंग और ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, मेरे पांव जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर में बैठा हूँ, जैसे आप R15 देखेंगे वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, और अगर आप रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है। ये जो मोटरसाइकिल है ये बिल्कुल बीच में है, जैसा होना चाहिए 160 को। का फ्रंट स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि फ्रंट स्टीयरिंग जो है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि ये स्टीयरिंग जो है मेरे हाथ से जाएगा या कुछ भी। अभी हम बाइक को मोड़ के देखेंगे, देखते हैं सड़क के बीचों बीच ये किस तरह से मुड़ जाती। बहुत ही बढ़िया वाला जो है टर्निंग रेडियस, क्लच से भी मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्लच बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लच है इसका। अब जो पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स हैं वो दूसरी 160 सीसीज के अगेंस्ट में इसके इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव ना हो, लेकिन बाइक चलाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि सिर्फ ये नंबर्स नहीं हैं जो आपको आपकी मोटरसाइकिल ख़रीदने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको ये भी देखना होता है कि क्या आपकी यूजबिलिटी किस तरह की है, आपको किन किन रोड्स पे चलाना है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मोड़ हैं, कर्व्स हैं, तो वहाँ पे ये मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस जगह पे अभी हूँ वहाँ पे इतने ज़्यादा कर्व्स वगैरह नहीं है, एक स्ट्रेट रोड है, लेकिन जिस तरह से हमने इसको सड़क के बीचों बीच मोड़ा
उससे साफ पता लगता है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है या फिर जो फ्लिकेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। टॉप गियर में आप इजीली जो है वो 80-90 के आसपास क्रूज कर सकते हैं बिना इंजन को स्ट्रेस दिए हुए, जो कि एक सही क्रूजिंग स्पीड है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो गाइस, मुझे तो ये मोटरसाइकिल बहुत पसंद आई। ओवरऑल बैलेंसिंग मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंजन जो है वो बिल्कुल यूजेबल पावर के साथ में आता है। इस मोटरसाइकिल का वजन जो है वो 140 किलोग्राम के आसपास है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डील है। अगर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो हल्की है तो फिर पावर फिगर्स जो हैं उसके अंदर आपका पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देता है आपकी मोटरसाइकिल की एक्सेलरेशन में और इवन डी एक्सेलरेशन में, क्योंकि जब आप बाइक रोकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मास नहीं कैरी कर रहे होते हैं, जितना कम मास कैरी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस मोटरसाइकिल में पसंद आई हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। Please leave your feedback in the comments so that I can improve my videos. So, अभी तक I really like the motorcycle and I hope कि आप सब लोगों को भी ये motorcycle पसंद आएगा. Go for a test ride. आपको ये motorcycle ज़रूर पसंद आना चाहिए. So guys, that was all about it. And जाते वक्त थोड़ा सा exhaust note सुन लेते हैं. This is value to money motorcycle guys and I really love it. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसके कंपटीशन में कौन सी मोटरसाइकिल हम टेस्ट राइड करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।